बोले देवाद्रिय श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय जय देवाद्रिय श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। जय जय देवाद्रिय श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता जन जन के संत बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज की। मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की। एलक श्री निजानंद सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबे शिखर की तलहटी में स्थित आत्मविकास का दिव्य सदन जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला जहां बोलेगा समोसरण और जहां पंचायतन शैली में अद्भुत जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसी गुणायतन से हम और आप टीवी चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें उसके पूर्व गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार शंका समाधान में उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है और चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मंच पर विराजित संतों के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें उसके पूर्व पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी की ओर से मंच पर विराजित सभी संतों के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लें। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए मंच पर विराजित सभी संतों के आशीर्वाद से हम और आप आज का सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें उसके पूर्व गुणायतन से जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा करूंगा। मैं चाहूंगा अगर जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान शिखर चंद जी, काशीनाथ राव माधव जैन, श्रीमती सुकांता जी, शिखर चंद जी जैन जालना। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। मोहनलाल जी, लीला चंद जी गांधी अकलोज, शाश्वती महेश महाजन जैन नादेड़ अगर उपस्थित है अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त है गुड़गांव निवासी श्रीमान राकेश जी, सुपुत्र श्री जयंती प्रसाद जी जैन अगर उपस्थित हैं तो वही खड़े होकर गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और गौशाला में दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है संतोषी सोनी पीतमपुरा दिल्ली, इनके लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और चलते हैं निर्माण शार्थी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है हमारे विजय उपस्थित है, मैं चाहूंगा मंच पर आएंगे परम पूज मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमती नाभाताई शीतल चंद जी करेवार हिंगोली जिन्होंने गुणायतन में निर्माण निधि से निर्माण शार्थी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है आएंगे मंच पर गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के सीईओ साहब श्रीमान सुभाष जी और गुणायतन के प्रशासक महोदय श्रीमान सिद्धार्थ जी कानपुर ये आएंगे और हमारे सम्माननीय श्रीमती नाभाताई शीतल चंद जी करेवार हिंगोली का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूंगा इनके भावों की अनुमोदना के लिए आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में आज हमारे बीच वो व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने अपनी कलम और अपने भावों के माध्यम से गुणायतन को अद्भुत रूप प्रदान करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं शिरोमणि संरक्षक श्रीमान सुनील जी पहाड़िया जयपुर, निर्माण मंत्री गुणायतन व्यायेंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं पुनः आवाज दूंगा श्रीमान सुभाष जी, सिद्धार्थ जी, गुणायतन शिवशाव और प्रशासक महोदय, श्रीमान संरक्षक श्रीमान सुनील जी पहाड़िया जयपुर, निर्माण मंत्री गुणायतन। श्रीमान सुनील जी पहाड़िया उनके सम्मान का कार्यक्रम हमारे गुणायतन के शिवशाव और गुणायतन के प्रशासक महोदय श्रीमान सुभाष जी, सिद्धार्थ जी संपन्न कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें।
और इसी क्रम में चलते हैं हम और आप। बहुत कम उम्र में जिन्होंने बहुत ऊंचाई प्राप्त की है, ऐसे हमारे विदिशा निवासी गुणायतन ट्रस्टी इंजीनियर चंद्रशेखर जी, आर्किटेक्ट गुणायतन, ये आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे अकलतरा निवासी श्रीमान निखिल जी और साथ में श्रीमान सुभाष जी, श्रीमान सुभाष जी सीओ साहब और हमारे इंजीनियर निखिल जी अकलतरा। हमारे विदिशा निवासी श्रीमान चंद्रशेखर जी का सम्मान का संपन्न करें और आप जोरदार तालियों का सम्मान करें। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा निर्माण मित्र गुणायतन वास्तुविद डॉक्टर फिरदौस जी दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी, ये भी आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के सीओ साहब और इंजीनियर साहब भाई निखिल जी को, ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बेंगलोर निवासी आर्किटेक्ट गुणायतन अजीत जी जैन हमारे बीच उपस्थित हैं, साथ में सागर जी बेंगलोर ये भी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा ये आए और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं गुणायतन के प्रशासक श्रीमान सिद्धार्थ जी कानपुर, इनको आमंत्रित करूंगा वे आए और सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। अजीत जी हमारे झारखंड के ही हैं, जोरदार तालियों का सम्मान करें। और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन का परियोजना निर्देशक देहरादून निवासी श्रीमान संरक्षक श्रीमान आशीष जी, ये भी आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मैं कहना चाहूंगा ये वो टीम है जो गुरुवर के आशीर्वाद से गुणायतन को अद्भुत अतिशय रूप प्रदान कर रहे हैं, जोरदार तालियों जकड़ का सम्मान करें। सागर जी अगर उपस्थित है तो मैं चाहूंगा वे भी आए मंच पर। और हमारे परियोजना अधिकारी निर्देशक श्रीमान आशीष जी के सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के इंजीनियर साहब अकलतरा निवासी भाई निखिल जी, ये आएंगे और साथ में सिद्धार्थ जी, तालियां तो बजनी चाहिए ऐसे व्यक्तित्वों के लिए। और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा पूना निवासी गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर प्रदीप जी, डॉक्टर सरिता जी, वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा पुनः एक बार हमारे गुणायतन के सीओ साहब श्रीमान सुभाष जी को, डॉक्टर प्रदीप जी, डॉक्टर सरिता जी सहाय पुणे। और महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती पूनम जी गुणायतन, डॉक्टर प्रदीप जी, डॉक्टर सरिता जी सहाय पुणे गुणायतन ट्रस्टी। और शंका समाधान के प्रथम प्रश्न के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे और प्रथम शंका लेके आएंगे डॉक्टर प्रदीप जी, डॉक्टर सरिता जी सहाय पुणे। इन्होंने, इनके बेटे ने सोलर से एक आरती तैयार की है, वो गुणायतन के लिए समर्पित कर रहे हैं और इसी से संबंधित एक प्रश्न शायद इनके मन में है। आइए सम्मान के पश्चात मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा डॉक्टर प्रदीप जी, डॉक्टर सरिता जी सहाय पुणे गुणायतन ट्रस्टी। उसके बाद अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान संजीव कुमार जी वारियल पंसारी परिवार भोपाल। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरी एक शंका है, घर में किसी का अगर जन्म हुआ या मृत्यु हो गई तो कुछ दिन हम उसको सूतक वगैरह करते हैं, उस दिन अभिषेक नहीं करते, तो जो लोग घर के हैं लेकिन घर में नहीं रहते, दूसरे बाहर रहते हैं, तो कितने दिन नहीं कर सकते? देखिए, सूतक पातक का जो हमारा विधान है उसी विधान के अनुसार सारा कार्य होना चाहिए। अगर किसी का जन्म और मरण हुआ है तो 3 पीढ़ी तक जो 10 और 12 दिन की व्यवस्था है वो माननी चाहिए, चाहे घर में हो या ना। महाराज जी, ये आरती गुणायतन के लिए समर्पित की है और ये सोलर से आरती बनाई है इनके बेटे ने, तो सोलर की आरती का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, आरती तो दीप की होती है और दीप वही है जो घृत से शुद्ध घी, ये आपने प्रकाश के लिए बनाया अच्छी बात है, लेकिन ये हमारी परंपरा नहीं। या तो आरती करो मत, करो तो दीप की आरती में तो त्राटक कर सकते, ध्यान कर सकते, इस आरती में नहीं कर सकते।
और उसमें ऊर्जा भी निकलती, और उसमें भी यदि गाय के घी का और देसी गाय के घी का दीप जलता है तो नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। इसलिए आरती की परिपाटी तो आरती के जैसे ही रखनी चाहिए इधर उधर नहीं। अहिंसा का दीप है फिर भी अगर आप उसे एक लाइट के रूप में रखिए, पर या तो आरती करो मत, आरती करने के बाद रात में ये रख सकते। हाँ, दीप जला माने आप एक प्रकाश की दृष्टि से रख सकते हो। और आइए हमारे बीच में श्रीमान अजित जी जैन आर्किटेक्ट बेंगलोर, उनके साथ सागर जी बेंगलोर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा व्याय परम पूज मुनिवर किसी चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और गुणायतन परिवार की ओर से उनके सम्मान के लिए अभिनय शर्मा मैं आमंत्रित करूंगा अभिनय जी शर्मा जी को। इंजीनियर गुणायतन व्यायेंगे हमारे सम्माननीय श्रीमान सागर जी बेंगलोर, उनका सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा जब इनका सम्मान हो तो ऐसे व्यक्तित्व के लिए आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। हाँ, जब तक सवाल कीजिए आप, बोलिए बोलिए भारी जी। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरु, बारम्बार नमन। महाराज सर, मेरा एक सवाल ये है कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग विषय हैं, परंतु आज में आज धर्म में राजनीति आ गई है, क्या धर्म और राजनीति विषय एक ही हो गया है? देखिए, धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग विषय है और रहेंगे। और रहा सवाल धर्म में राजनीति आ गया तो ये आएगी, ये आज ही नहीं पहले भी आई। और जब जब धर्म में राजनीति आती है तो महाभारत मचता है। गुरुवार असल में यह है कि हर समाज में आ गई है, और इसकी वजह से कई बार ये होता है कि मतलब है ना झगड़े होने लगते हैं और है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी धर्म में राजनीति प्रवेश करती है तो महाभारत मचता है, और राजनीति में अगर धर्म जुड़ जाए तो रामायण रचता है। हम कोशिश करें राजनीति को धर्म से जोड़े, धर्म में राजनीति का प्रवेश रोके। और आइए गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे इंजीनियर साहब अभिनव जी शर्मा गुणायतन, वे आएंगे और सागर जी बेंगलोर, उनका सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे और जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। और अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे समाज के गौरव श्रीमान अजित जैन आर्किटेक्ट बेंगलोर। उसके बाद मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा इंजीनियर गुणायतन ट्रस्टी चंद्रशेखर जी विदिशा आर्किटेक्ट इंजीनियर गुणायतन। मैं एक बार चाहूंगा ये छहों के छहों लोग जो निर्माण से जुड़े एक बार मंच पे आ जाए। आज आशीष चंद्रशेखर जी, प्रद्युमन जी, सुनील सब आ जाए। सुभाष जी आप भी आ जाइए इस टीम में। तालियां बजाइए इन सभी के लिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस पूरी टीम का आप स्वागत करें। ये लोग एक आवाज में दौड़े आते, एक पैर पर खड़े होकर के काम कर रहे हैं। अपने व्यस्ततम व्यवसायिक कार्यों के होने के उपरांत भी अन्य दायित्वों को निभाते हुए भी आज गुणायतन को जो गति मिल रही है उसमें इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए, और मैं चाहूँगा आज के सत्र को इनके ही प्रश्नों से आगे बढ़ाया जाए। चलिए बोलिए अजीत। नमस्ते महाराज। खड़े रहे आप, खड़े रहे। ये प्रश्न पापा का है, उन्होंने आपको नमोस्तु बोला है, और प्रश्न ये है कि स्थिति और काल इन दोनों में क्या फर्क है, कृपया वो बताएं। स्थिति और काल, बहुत अच्छा सवाल किया है। स्थिति शब्द बहुत व्यापक है, स्थिति को कई अर्थ में दिया जाता है। काल का टाइम है और स्थिति का अर्थ ड्यूरेशन है। टाइम और ड्यूरेशन में बड़ा अंतर होता है। किसी चीज़ का एक कोई काल हुआ पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए, लेकिन उसकी स्थिति लंबे समय तक चल सकती है, वो ड्यूरेशन है, समझ गए। तो सूरज उगने का एक काल है पर दिन का एक ड्यूरेशन है, दोनों में ऐसा अंतर समझ के चलना चाहिए। ठीक है। हाँ, अगले प्रश्न की आमंत्रित करूंगा इंजीनियर चंद्रशेखर जी विदिशा गुणायतन आर्किटेक्ट। महाराज द्वय के चरणों में बारम्बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री को इच्छामि इच्छामि इच्छा। महाराज श्री, हम साधु के पास चरित्र और चर्या देखने जाएं या चमत्कार की आशा लेकर, क्योंकि वर्तमान समय में लोग बाग साधु से चमत्कार की अपेक्षा करते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि साधु की साधुता को देखकर जाओगे तो अपने जीवन में साधुता पाओगे, और केवल ऊपरी चमक दमक से प्रभावित होकर जाओगे
तो कुछ भी लेकर नहीं आ पाओगे, कुछ भी नहीं ले पाओगे। साधु क्या है इसके स्वरूप को जानो। साधु वही है जिसमें साधुता है, और हमारी साधुता हमारे चरित्र से निखरती है, चमत्कारों से नहीं। हमें अपनी चेतना को चमत्कृत करना चाहिए, बाह्य चमत्कारों से रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो लोग होते हैं वो एक भूल है, और मेरा तो मानना है दो तरीके से लोग प्रभावित होते हैं, एक चमत्कारों से और दूसरे चमक दमक से यानी ग्लैमर से। ये दोनों आकर्षण अधूरा आकर्षण है, झूठा आकर्षण है, जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं उलझा सकते हैं। इसलिए मूल को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार। और अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान संरक्षक श्रीमान सुनील जी पहाड़िया जयपुर, निर्माण मंत्री गुणायतन। महाराज सर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज सर, मेरा प्रश्न ये है कि जो नित्य अभिषेक हम लोग जो मंदिर में करते हैं, तो वो एक आस्था के रूप में करते हैं या एक जैन क्रिया के रूप में करते हैं, या उसको कोई वैज्ञानिक महत्व है, और उसका हमें शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कैसे लाभ मिलता है? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, अभिषेक हमारी धार्मिक क्रिया है, और हम प्रत्येक धार्मिक क्रिया को आस्था से प्रेरित होकर के ही करते हैं। जब हमारी श्रद्धा और भावना जुड़ती है तभी उसका लाभ हमें मिलता है। तो धार्मिक दृष्टि से अभिषेक हमारे कर्म को गलाने का एक बड़ा निमित्त है। तो जो जितने भाव से अभिषेक पूजन बंधन करता है वो उसके उत्ते कर्म की निर्जरा होती है, ये लोग हम सब जानते हैं। अब इसका भावनात्मक प्रभाव भी है और वैज्ञानिक प्रभाव भी है। भावनात्मक दृष्टि से देखें तो अभिषेक वह क्रिया है जिस क्रिया में हमें भगवान से सबसे ज़्यादा निकट होने का अवसर मिलता है। भगवान की निकटता का एहसास अभिषेक के क्षणों में ही होता है, और यदि व्यक्ति उस घड़ी ऐसा एहसास भाव हो जगा ले तो उसे ये नहीं लगता कि मैं अभिषेक कर रहा हूँ मूर्ति का, उसे लग रहा है साक्षात भगवान का स्पर्श कर रहे हैं। आप लोग रोज बोलते ही हैं, पापा चरण तज नमन करता चित्त में ऐसा धरया, साक्षात श्री अरहंत का मानो दर्श पर्सन गया। तो ये जो अनुभूति है वो व्यक्ति की भाव विशुद्धि को बढ़ाने में बड़ा सबल निमित्त होती है। दूसरा, कुछ प्रयोग हुए हैं अभिषेक के ऊपर, जिसमें खासकर धातु की प्रतिमाओं पर जब अभिषेक किए गए तो अभिषेक के जल में जो मंत्रोच्चार होता है उसमें नेगेटिव आयंस खत्म होते हैं, पॉजिटिव आयंस बढ़ते हैं, और वो सकारात्मकता की वृद्धि करता है। उससे हमारे अंदर की सकारात्मकता बढ़ती है। विज्ञान की इस पर काफ़ी खोज हुई और लोगों ने इस बात को माना है कि अभिषेक एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे अंदर की सकारात्मकता को बढ़ाती है और ये रोग शोक को भी दूर करता है। पर मैं अपने अनुभव की बात बताता हूँ। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिनमें कुछ लोग ऐसे रहे जिनके जीवन में कभी सफलता नहीं मिली, जहाँ हाथ डाले वहाँ उनको तकलीफ हुई, परेशानियाँ आई, रुकावटें आई। जब ऐसे पीड़ित लोग परेशान होकर आते हैं तो उनको कुछ न कुछ पुण्यवर्धक क्रियाएं तो बताई जाती। मैंने ऐसे अनेक लोगों को बताया और जिनने श्रद्धा सहित किया आज वो वापस आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक स्थान पर था, आठ घर की समाज थी, छोटा सा गांव और एकदम इंटीरियल एरिया। वहां जब मैं गया तो मुझे युवा लोग सब मंदिर में अभिषेक करते दिखे, एकदम युवा, बड़ा अच्छा लगा। आठ घर के समाज में 12-13 युवा अभिषेक कर रहे। मैंने पूछा, सोचा शायद आज अपना प्रवास हुआ है, शायद इसलिए आए होंगे। बोले वाह, आज तुम लोग अभिषेक करते? बोले हाँ महाराज, हम लोग रोज अभिषेक करते। तो हम बोले बहुत अच्छी बात है, किसकी प्रेरणा से करते हो? तो उसमें एक युवक था, मैं गांव बताता हूँ, पाकुड़ की बात है। एक युवक था, लोगों ने एक युवक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि महाराज जी इसके कारण हम लोग करते। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ, बोले महाराज जी मेरा कोई काम ही नहीं चलता था, जो जो मैं करता था मुझे नुकसान होता था। मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे अभिषेक करना है तो मैंने अभिषेक किया, और अभिषेक करने के बाद जब मुझे सफलता मिली तो मैं सबको बोलता हूँ और महाराज हमारे समाज का हर लड़का सफल है। ये व्यक्तिगत आस्था हो सकती है लेकिन ये भी एक अनुभव है। मैं ऐसे इसको इस रूप में महिमामंडित तो नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जानता हूँ कि भगवान की पूजा अभिषेक से हमारे अंतराय टलते हैं, और जब अंतराय टलते हैं तभी जीवन संभलता है। अपने जीवन को संभालना है तो कुछ पुण्यवर्धक क्रियाएं जरूर करनी चाहिए। ऐसे ही कई ऐसे लोग जो बहुत डिप्रेशन के शिकार रहे, उनको हमने नित्य अभिषेक करने के लिए कहा, नमोकार मंत्र आदि के लेखन के साथ अभिषेक किया है लोगों ने, तो उसमें उनको बहुत अच्छा परिणाम मिला है।
कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अभिषेक पूजन आदि जो धार्मिक क्रियाएं हैं ये हमारे चित्त के रूपांतरण का आधार बन सकती है यदि हम उस तरह का प्रयास करें। हेलो, गुणायतन ट्रस्टी प्रसिद्ध वास्तुविद डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली, निर्माण मंत्री गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक मनाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जन्म को सार्थक किया। मुनियों का, आचार्यों का मनाते हैं, उन्होंने भी अपना जन्म को सार्थक किया। दूसरी तरफ महाराज श्री, जो श्रावक लोग हैं, हम लोग हमारे जन्मदिन के दिन लोग बहुत बधाइयाँ देते हैं जैसे बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट किया हो, जबकि अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो हम श्रावकों ने अपना जीवन का एक वर्ष इस उम्र का कम कर लिया, व्यर्थ गवा दिया। तो हम श्रावकों को किस रूप में अपना जन्म मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, रोना चाहिए? बहुत सुंदर। सबसे पहली बात तो आज प्रद्युमन का जन्मदिन भी, ये अच्छा सी है, है ना? अब रहा सवाल जन्मदिन की बधाई देने का न देने का और जन्मदिन मनाने का। सच्चे अर्थों में तो गुरुदेव यही कहते हैं, वर्ष गांठ का मतलब है गांठ से एक वर्ष निकल गया। लौकिक दृष्टि से लोग जन्मदिन मनाते हैं पर वहाँ मनाने जैसा कुछ नहीं है क्योंकि संसार का कारण है। यथार्थतः हमें जन्म मरण से पार उतरने की बात सोचनी चाहिए और वैसा ही रास्ता चुनना चाहिए। फिर भी अगर जन्मदिन में लोग कोई बधाई दे तो मैं ये कहता हूँ, हर व्यक्ति को अपने जन्मदिन के दिन अपने जन्म को सार्थक बनाने का संकल्प लेना चाहिए। आज मेरा जन्मदिन है तो मैं अपने जन्म को सार्थक बनाने का एक नया संकल्प लेता हूँ जिससे इस भावसागर से पार उतरूँ। क्या पता अगला जन्मदिन मेरा आए या ना आए, कोई गारंटी है? अगला दिन आए इसी का पता नहीं, जन्मदिन तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए तो 365 दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो अगले पल का कोई ठिकाना नहीं, अतः आज जन्मदिन है तो मैं संकल्प लेता हूँ इस वर्ष मैं अपने जीवन में एक अलग कड़ी जोड़ूंगा। जीवन को आगे बढ़ाना है, मेरा ध्येय केवल संसार के राग रंग में रमने का नहीं, मेरा ध्येय भाव सागर से पार उतरने का होना चाहिए, जन्म मरण से मुक्त होने का होना चाहिए। और जब हम जन्म मरण से मुक्त होने की दृष्टि लेकर चलेंगे तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको कोई बधाई देता है, लोक व्यवहार है, विनम्रता से स्वीकार लो, लेकिन मन ही मन संकल्प लो, ठीक है मैं ऐसा जीऊँ कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करे। अक्सर होता है सामने लोग बधाई देते पीछे पीछे गालियाँ, ऐसा करो कि तुम्हारे इस दुनिया से चले जाने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम सुनते ही रो पड़े, तो हमारा जन्म लेना सार्थक है। तो जन्म दिन हो, अगर कोई बधाई देते हैं स्वीकारो, लेकिन एक ही संकल्प के साथ कि मुझे अपना जन्म सार्थक करना। अगले प्रश्न के लिए श्रीमान संरक्षक श्रीमान आशीष जी देहरादून, परियोजना निदेशक गुणायतन। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा कोई सवाल तो नहीं है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि जीवन और सार्थक बना सके। बहुत सुंदर, बढ़िया। सागर, अगले प्रश्न के लिए श्रीमान सागर जी बेंगलोर, और इन सब की ओर से अंतिम प्रश्न के लिए श्रीमान सुभाष जी सीओ साहब गुणायतन। महाराज नमस्ते। नहीं है सवाल, ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, बोलते नहीं। चलिए, मुरी राजो के चरणों में शशत नमन। गुरुदेव, गुणायतन की ये पूरी निर्माण टीम आज यहाँ आई है और इसके अलावा और भी लोग हैं जो आज नहीं आ पाए हैं किसी कारण से, तो इतनी बड़ी टीम और इतने लोग इतने मन और इतने मनोभाव से गुणायतन के निर्माण करने में लगे हैं और बाकी परियोजनाओं में लगे हैं, आगे की प्लानिंग में लगे हैं गुरुदेव, तो आज यही प्रार्थना करता हूँ आपके चरणों में कि इन सब पूरी टीम को आशीर्वाद मिले, कि सब में आपस में तारतम्य और समन्वय बना रहे गुरुदेव, और इसी प्रकार से आगे बढ़े और गुणायतन जितना जल्दी हो सके हम लोग पूरा कर सकें सब मिलजुल के। यही एक आपसे बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया, मुझे बेहद प्रसन्नता है कि गुणायतन से जुड़े एक एक लोग पूरी तरह से समर्पित और पूरे तालमेल के साथ काम करने वाले हैं तन मन धन से। ये पहली संस्था है जिसमें आने जाने वाले लोग भी जो कुछ खर्चा होता वो अपने जेब का करते हैं, संस्था नहीं करते। ये आप एक अनुकरणीय पहल है और हमेशा
एक पैर पर खड़े होकर काम करते हैं। अब बस समझ लो फाइनल एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर होने वाली है, कोर्स जल्दी कंप्लीट करना है और कमर कस के रखना है। पूरे देश की निगाह आप लोगों पर केंद्रित है, जो भी कार्य है उस कार्य को शीघ्र गति दे करके पूरा करें, मेरा यही आशीर्वाद है। और जो लोग आज नहीं आ पाए अपनी दूसरी व्यस्तता के कारण, मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ, पूरी टीम को, कि मजबूती से जो भी आगे के कार्य हैं उनको गति प्रदान करें। नमोस्तु। नमोस्तु। और चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम में पुनः एक बार। उसके पूर्व जिन्होंने साहेब बाबूराव हावले कोल्हापुर, अजित नाटूर इंटरवल सांगली, जोरदार तालियों का सम्मान करें। अगर उपस्थित हैं तो वहीं से खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। और चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। श्रीमती विजया जी जैन गुना अपने सभी गुना से आए हुए यात्रियों के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नीलेश जी जैन जबलपुर। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे एक बाल्टी छने पानी में एक बूंद अनछना पानी गिर जाता है तो सारा पानी खराब हो जाता है, वैसे ही संसारिक जीवन में भी बहुत अच्छा करने के बाद अगर कहीं थोड़ी भी गलती हो जाए तो सब किरकिरा हो जाता है। क्या करें? इसलिए तो सावधानी रखो, विकृति की एक बूंद भी बहुत भयानक होती है, इसलिए विकृति से हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न कि अभी जो विधान हुआ है तो भाई के द्वारा करवाया, इसमें हम लोगों ने द्रव्य जो चढ़ाया है उसमें हमें क्या पुण्य मिलेगा? द्रव्य चढ़ाया, भाव के साथ चढ़ाया, उसका पुण्य तो मिल ही गया, और ज़्यादा और चाहिए तो अपने जेब का द्रव्य और चढ़ा दो तो लग जाएगा, मेरा भी कुछ लगे ऐसा भाव रखो तो दोहरा पुण्य हो जाएगा। देखो एक बात बोलता हूँ, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में यदि किसी के निमित्त से आप भाग लेते हैं, पूरे मनोयोग से लगिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि इसमें मेरा भी कुछ अंशदान हो, तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति को कुछ न कुछ देने का भाव रखना चाहिए। श्रीमान नीलेश जी जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान गजेंद्र जी शिरड़ शहपुर। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। दूसरों की आलोचना करने में और सुनने से हमें कितने पाप का बंध होता है, यदि हम ऐसे ही इसको अपने दैनिक जीवन में करते रहेंगे तो हम अपना अगला भाव कैसे सुरक्षित रख पाएंगे, हम अपने दैनिक जीवन से इस निंदापूर्ण कार्य से कैसे बचेंगे, कृपया समाधान करें महाराज जी। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, दूसरों की आलोचना करने और सुनने से महान पाप का बंध होता है, पर निंदा एक बड़ा जघन्य अपराध है, हमें इससे बचना चाहिए, न तो निंदा करनी चाहिए न निंदा सुननी चाहिए। जो निंदा करते हैं या निंदा में रस लेते हैं उनका जीवन खुद निंदनीय हो जाता है, वो पतित होगा, वो अनेक दुर्गतियों का पात्र बनता है। विडम्बना यह है कि लोगों को इनका आभास नहीं होता, एहसास नहीं होता, और न ही वो मानसिक रूप से उसको स्वीकार करने के लिए तैयार और तत्पर होता है। पर हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, बुराई करने का मतलब है गंदगी फैलाना, और जो भी गंदगी फैलाएंगे वो अपना जीवन गंदा कर देंगे। इसलिए एक संकल्प ले कि मुझे किसी की न तो निंदा करनी है न निंदा सुननी है। लोग बहुत से ऐसे होते जो निंदा करते तो नहीं है पर दूसरों की निंदा सुनने में रुचि लेते हैं, ऐसे लोगों से बच के रहना। जो दूसरों की निंदा तुम्हारे पास कर रहा है मान कर चलना तुम्हारी निंदा दूसरों के पास करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है गंदगी फैलाना, तो गंदगी फैलाएगा, ऐसे लोगों से बच कर चले। कभी अगर अपने मुख से किसी की जाने अनजाने में निंदा आलोचना होती है तो अपने मन में ही मन अपनी निंदा करें, अपनी गरहा करें, आलोचना करें, और संकल्प लें कि दोबारा मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। और कोई दूसरा अगर आकर के किसी की बुराई करना शुरू करता है, दोनों हाथ जोड़ लें, भाई ठीक है आपकी बात अपनी जगह होगी, हो सकता है आपकी धारणा अपनी जगह सही हो, पर हमें माफ़ करें, हमें इस तरह की बातों में कोई रुचि नहीं है, हम इस तरह का कोई कार्य नहीं करना चाहते। श्रीमान गजन जी शिरड़ साहेबपुर अपने पूरे परिवार के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुनीता जी मुकेश जी पापड़ीवाल इंदौर। नमस्तु महाराज जी। नमस्तु। नमस्तु। गजेंद्र जैन शिरड़ शाहपुर, अध्यक्ष मूलनाथ भगवान शिरड़ शाहपुर। महाराज जी, हम 2015 में हम शिखर जी में आए थे, जब हमारे बड़े भाई वंदना कर के पश्चात पैर में गैंगरिंग हुआ, उनका सीधा पैर नागपुर में कटवाना पड़ा, क्या किस कर्म का उदय है? हम सब परिवार यहाँ आया है, अब उनकी तबीयत भी अच्छी है, अब हमारे सब परिवार वंदना के हेतु आपके दर्शन के लिए भी आए हुए। देखो पैर कटा, जीवन तो बच गया, शायद वही है क्या बाजू में, अब आ गए ना,
तो ये समझो कि मेरा बड़ा पाप था, वंदना से निकल गया, नहीं तो कुछ और भी हो सकता था। इसलिए अब जो हुआ सो हुआ, आगे का ध्यान रखो। नमस्ते मार जी, नमस्ते। श्रीमती सुनीता जी, मुकेश जी पापड़ीवाल इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नवाताई शीतल चंद जी करेवार हिंगोली महाराष्ट्र। बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा ये प्रश्न है, जीवन एक प्रश्न पत्र है और इस जीवन को जो व्यक्ति सारे प्रश्नों को ठीक से हल करता है तो वो इस जीवन को भी सफल बनाता है एवं अपने अगले जीवन के लिए भी अच्छे अंक प्राप्त करता है। लेकिन इसी जीवन के प्रश्नों को यदि ठीक से हल नहीं कर पाए तो यह जीवन भी नरक बन जाता है एवं अगला जीवन भी इसी तरह से व्यर्थ हो जाता है। तो गुरुदेव, हम जो हमारे जीवन में षट आवश्यक पालन करते हैं, सम्यक आचार व्यचार करते हैं, धर्म के 10 लक्षण का पालन करते हैं, स्वाध्याय ध्यान करते हैं, दान उपवास इत्यादि करते हैं, लेकिन जीवन के कुछ नैतिक दैनिक क्रियाकर्म भी करते हैं, आजीविका के उपाय करते हैं, तो इनके नंबर हम लोग आप हमें बताइए कि किस तरह से हमें इनके नंबर प्राप्त होंगे। देखो, नंबर कैसे प्राप्त होंगे बात की बात है, पहले प्रश्न को पहचानना ज़्यादा जरूरी है। और प्रश्न को पहचानते समय ये भी देखना है कौन सा कंपलसरी है और कौन सा ऑप्शनल है। तो पहली कोशिश करो कि जो कंपलसरी है हम उस पर अपना फोकस करें, दूसरे क्रम में जो ऑप्शनल है उन पर ध्यान दें। फिर ये भी देखना है कि जिसको हम कर रहे हैं उसमें कोई और नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, माइनस मार्किंग तो नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो उसको भी हम अलग दृष्टि से रखें। फिर हम कोई अपने प्रश्न पत्र को हल करना शुरू करेंगे तभी उसका सही परिणाम आएगा। मुश्किल तो ये दिखती है कि ज़्यादातर लोगों को प्रश्न का ही अता पता नहीं होता। जिसको प्रश्न का ही अता पता नहीं वो उत्तर क्या लिखेगा। तो हम देखें सामने, मेरे सामने प्रश्न क्या है उसे देखें, और जो अति अनिवार्य है उससे मुझे पहले करना है। हमारे मन में एक सवाल आना चाहिए, हमें ये जीवन क्यों मिला, उसका मूल क्या है, और जो जिस वजह से मिला है मुझे पहले उसको पुष्ट करना है। पुण्य के निमित्त से जीवन मिला है तो मुझे पुण्यकारी क्रियाओं को प्राथमिकता से करना है, और पुण्यकारी क्रियाएं जो है उसमें हमारे सट आवश्यक है। दान पूजा सील उपवास गृहस्थों के लिए मूल क्रिया है, इसे मुझे प्रमुखता से करना, ये तो मुझे अपने जीवन में करना ही है, इसे भूलना नहीं। फिर जो आजीविका के साधनभूत कार्य है वो ऑप्शनल है, करे तो भी चलेगा नहीं करे तो भी चलेगा, जितना हो सके उतना करो, उतने में हमारा काम हो जाएगा क्योंकि वो जीवन के निर्वाह का साधन है, उतना ही करो। और फिर कुछ चीज़ें जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, यानी जो बहुत ज़्यादा हिंसा के कारण है, जिसमें बहुत ज़्यादा पाप दिख रहा है, ऐसे क्रूर कर्मों से अपने आप को पूरी तरह दूर रखो। वो मुझे कुछ करना ही नहीं क्योंकि ये तो हमें और नेगेटिव साइड में ले जाएगा। तो अपने जीवन के पतन के लिए इन सब बातों पर जो गंभीरता से विचार करते हैं वे ही अपना जीवन बेहतर बना पाते हैं। श्रीमती, मंदिर होते हैं ये कृष्ण है तो ये हमारे भगवान राम भगवान है, हनुमान है, तो उनके दर्शन हमें उस समय क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसा है, हम तो जिसने राग देश काम आदि जीते सब जगह जाने लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया, बुद्ध भू ऋषि हर हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन को भक्ति भाव से प्रेरित हो चित्त उसी में लीन रहो, हम भगवान के वीतराग स्वरूप को प्रणाम करते हैं और हम मंदिर में विराजमान वीतराग भगवान को किसी भी नाम से संबोध सकते हैं, बस हमारी वंदना वीतरागता को होती है। श्रीमती नवताई शीतल चंजी करेवार हिंगोली महाराष्ट्र, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या जी जैन रुठियाई, सभी रुठियाई यात्रियों के साथ मंच पर के द्वय मुनिराज को कोटि कोटि नमन नमन। ऐलक जी को इच्छामी। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो आप माँ बाप की बात सुनते हैं और बड़े होने के बाद माँ बाप को ज्ञान सिखाते हैं। अहिंसा के बारे में जब इनका कहना है कि श्वासोश्वास में भी हिंसा होती है, इस बारे में हम उन्हें कैसे समझाएं?
बिल्कुल हिंसा होना और हिंसा करना दोनों में अंतर उनसे बताओ। हिंसा होती है वो अपरिहार्य है, पर हिंसा करते हैं उसका परिहार किया जा सकता। हिंसा करने में पाप है, हिंसा होने में नहीं। यदि हम अपनी प्रवृत्ति में सावधान रहेंगे तो हमसे भले हिंसा हो जाए हमारा कोई पाप नहीं है, पर हम अगर सावधान नहीं है और कोई हिंसा ना हो तो भी हम पाप के भागी, ऐसा बता। श्रीमती संध्या जी है क्या? चलिए अगले प्रश्न के लिए श्रीमान प्रीतेश जी जैन हैदराबाद। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे सारे जीवन में हम सारे संसारी जीव सबके मटेरियल गोल्स होते हैं, हमें घर लेना, हमें ये करना, हमें वो करना, लेकिन हमारे स्पिरिचुअल गोल्स क्या होने चाहिए और हम अपना सूचीबद्ध तरीके से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल। मटेरियल गोल्स तो सबके हैं, स्पिरिचुअल गोल्स कैसे हो? जब तक अंदर स्पिरिचुअलिटी जागेगी नहीं तो स्पिरिचुअल गोल्स आएंगे कहाँ? ज़्यादातर लोग तो बस जी रहे हैं, जिए जा रहे हैं, उनने अपने अंतरात्मा को पहचाना ही नहीं, जाना ही नहीं। जब तक तुम्हारे चित्त में अध्यात्म की प्रतिष्ठा नहीं होती, तुम्हारे सोच में अध्यात्म नहीं बसता, तब तक आध्यात्मिक दृष्टि से कोई विकास हो ही नहीं सकता। तो अपना आध्यात्मिक विकास या आत्मिक विकास करना चाहते हैं तो आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखें और उसी अनुरूप अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जो हमारे जीवन को बेहतर और सुंदर बनाने में समर्थ और मददगार बन सके, वो हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमें और लोगों का नहीं, खुद का देखना चाहिए। जीवन की नश्वरता और आत्मा की अमरता को पहचानने वाला व्यक्ति ही अपने आप को अध्यात्म से जोड़ने में सफल होता है और ऐसे व्यक्ति का ही आध्यात्मिक लक्ष्य पूर्ण होता है। महाराज जी, हमारा हमेशा ये रहता है कि हम स्पिरिचुअली डेवलप हो सकते हैं, बट द थिंग इज मिथ्यात्व को हम विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि आगे कैसे बढ़े उसमें। स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, भावना भाते रहो। और आइए चलते मंच पर विराजित एलक जी और मुनिश्री की शंकाओं के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। एक क्षमाशील निवेदन है एलक श्री निजानंद सागर जी महाराज जी से। आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार में कहते हैं, यदि इच्छति दुख परिमोक्षम परिवज्जतु सामरणम, यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि संसार के दुखों से छुटकारा चाहते हो तो जयेश्वरी मुनि दीक्षांगीकार करो। मुनि से सभी लोग मुनि दीक्षा की दुखों से छुटकारा तो चाहते हैं, परंतु मुनि दीक्षा सभी लोग अंगीकार नहीं कर सकते। जिन्होंने पूर्व जन्म में तप त्याग आदि किया है उसके संस्कार हैं, और इस जन्म में जिनके चायत मोहिनी कर्म का क्षोभ है वही लोग मुनि दीक्षा अंगीकार कर सकते हैं। धन्य है मुनिराज जिन्होंने इस पंचम काल में ऐसे जयेश्वरी दीक्षा को अंगीकार किया है, ऐसे मुनिराजों को नमोस्तु करके यही पूछना चाहता हूँ कि आचार्य जयसेन स्वामी ने मुनियों के छह कालों का वर्णन किया है, दीक्षा काल, शिक्षा काल, गर्भपोषण काल, आत्मसंस्कार काल, संलेखना काल और उत्माद काल। तो दीक्षा के बाद में शिक्षा काल दिया है, तो दीक्षा के बाद शिक्षा काल क्यों दिया, इन छह कालों का क्या अर्थ है, कृपया बताएं कि कृपा करें। बहुत अच्छी बात है, जीवन का कल्याण सामान्य को अंगीकार किए बिना संभव नहीं है और सामान्य दीक्षा के बाद ही संभव है। आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात रखी, दीक्षा काल, शिक्षा काल, आत्मसंस्कार, पोषण काल, आत्मसंस्कार काल, संलेखना काल और उत्तमार्थ काल, ये मुनियों के छह काल होते हैं जो अपने जीवन काल में क्रमशः पूरा करते हुए वे अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए अपना उत्थान करते हैं। आपने पूछा है कि दीक्षा काल के बाद शिक्षा काल क्यों? इसलिए शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब किताबी ज्ञान पाना नहीं। हमने दीक्षा लिया वैराग्य से प्रेरित होकर, भावना से प्रेरित होकर, तो जो दीक्षा हमने ली है उस दीक्षा को कैसे फलीभूत करना, इस बात की शिक्षा हमें शिक्षा काल में मिलती, सीख मिलती है। और ज़्यादा ज्ञान पा लेने के बाद व्यक्ति भटक सकता है, लेकिन वैरागी व्यक्ति कभी भटकता नहीं, उसकी दिशा सीधी रहती है। इसलिए पहले दीक्षा लो और दीक्षा लेने के बाद शिक्षा लो। हाँ, दीक्षा से पूर्व इतने आधारभूत शिक्षा तो होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है इसका बोध हो,
करनी अकरनी का ज्ञान और विवेक के अभाव में दीक्षा कभी फलीभूत नहीं होती। लेकिन नहीं, मैं पहले शास्त्रों का पारगामी बन जाऊं, फिर दीक्षा लूं, तो ले नहीं पाओगे। दिमाग जब ज़्यादा चीज़ों से बंध जाता है तो फिर वो उल्टा चलना शुरू हो जाता है। इसलिए पहले दीक्षा ले लो और फिर उस दीक्षा को साकार करने के लिए शिक्षा ग्रहण करो। संवेगनी कथा, निर्वेगनी कथा, आक्षेपी कथा और विक्षेपनी कथा, इनका क्या अर्थ है? आक्षेपनी, विक्षेपनी, संवेगनी, निर्वेदनी, चार प्रकार की कथा है। ये कथा मतलब जो तत्वोपदेश दिया जाता था प्राचीन काल में, उस समय इस तरह के तत्व को प्रतिपादित किया जाता था। आक्षेपनी कथा एक ऐसी कहने कथन की शैली थी जहाँ सामने वाले के मत की बात को खंडित करते हुए बात किया जाए। विक्षेपनी कथा में ऐसे कि परमत खंडन के साथ स्वमत पुष्टि की बात की जाती, स्वमत मंडन की बात की जाती। निर्वेगिनी और संवेदनी कथा, जिसे संवेगिनी निर्वेगिनी भी कहते हैं, ये क्रमशः भोगों के प्रति वैराग्य का भाव और धर्म के प्रति श्रद्धा की वृद्धि का भाव जगाते थे। तो इस तरह के तत्व का प्रतिपादन प्राचीन काल में होता था। इन्हें चारों प्रकार की कथाओं को सुकथा कहा गया। कुल मिलाकर जिस कथा से हम तत्व को समझ सके, आत्मा का बोध प्राप्त कर सके, वह तो हमारे लिए अनुकरणीय है। बाकी चीज़ें सब हमारे लिए अनपेक्षित है, हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। और ये आप सब की ओर से परम पूज मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज के स्त्री चरणों में नमन करते हुए, नमोस्तु करते निवेदन करता हूँ। अपनी शंका के माध्यम से हम सभी को मुनिवर के मुख से ऐसा समाधान प्राप्त हो कि हम भी आपके मार्ग में चलते हुए अपना मार्ग प्रशस्त कर सकें। उदीर्णा का तात्पर्य जो बाद में कर्म उदय में आने वाले उनको अभी बुलाना, इसी तरह निर्जरा में सभी पांग निर्जरा, अभी पांग निर्जरा, उसमें भी जो बाद में उदय आने कर्म को पहले बुलाना, ऐसी अपकर्षण में भी स्थिति घटा, इन तीनों में उदाहरण देकर थोड़ा स्पष्ट करें कि क्या अंतर है। कर्म सिद्धांत से संबंधित बहुत ही अच्छा सवाल महाराज श्री ने यहाँ रखा है। हमें जानना चाहिए कि जब हम किसी कर्म को बांधते हैं तो कर्म के बंध के बाद वो तुरंत उदय में नहीं आता, उसके बीच काफ़ी कुछ प्रक्रियाएं होती। तो कर्म के बंध से लेकर उसके फल भोग तक की स्थिति में उसमें बहुत कुछ परिवर्तन होता है और उसी परिवर्तन का नाम करण है, जो 10 प्रकार का है। उसमें अभी महाराज श्री ने एक करण बताया, उदीर्णा, और दूसरा करण है अपकर्षण। उदय होता है, बंध हुआ, उदय आया, ये सामान्य प्रक्रिया है। उदय हुआ यानी कर्म का फल मिला और झड़ गया, वो एक प्रकार की निद्रा हो गई। दूसरा उदीर्णा, उदीर्णा का मतलब होता अपक्व पाचनम उदीर्णा, असमय में कर्म का फल भोग कर लेना, बला कर्म को खींच करके बाहर निकाल देना या निकल जाना, इसको बोलते हैं उदीर्णा। ये कोई भी निमित्त से आती है, शुभ निमित्त अशुभ निमित्त दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे किसी व्यक्ति के शाता का उदय है और मन में क्षमता है तो और अधिक शाता की उदीर्णा हो सकती है। लेकिन अभी शाता का उदय था और मन में संक्लेश आ गया तो बीच में अशाता की भी उदीर्णा हो सकती। तो ये उदय और उदीर्णा दोनों एक से कर्म है, और जिसका उदय होता उसकी उदीर्णा होती है। तो कब कौन सा कर्म बदल जाए पता नहीं, पर उदीर्णा में कर्म को खींच कर या धक्का मार कर बाहर निकाला जाता है। अपकर्षण का मतलब है कर्म की स्थिति को कम कर देना, उसकी फलदान शक्ति को घटा लेना, ये भी एक प्रकार का खिंचाव है या धक्का मारने की प्रक्रिया है। यह उदीर्णा में अपकर्षण जरूर होता है, लेकिन अपकर्षण जहाँ हो वहाँ उदीर्णा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अपकर्षण सत्ता में होता,
उदयावली से बाहर भी हो सकता है, मैं सैद्धांतिक दृष्टि से बोल रहा हूँ, लेकिन उदीर्णा जो होगी वो कर्म का उदय होना ही है, वो निकलेगा ही। इसी तरह जो अभिपाक निर्जरा है वो बिना अपकर्षण के नहीं होती, कर्म को जब झड़ाते हैं तो उसको खींच कर निकाला जाता है और वो उस समय जो उदयागत कर्म है तद्रूप परिणत होकर के फल देता है। तो अभिपाक निर्जरा और उदीर्णा में यद्यपि अपकर्षण है पर वो उदय मुख से जाएगा, जबकि अपकर्षण में अपकर्षण है पर उसका उदय तत्काल आए ये कोई आवश्यक नहीं। एक सौ उदाहरण बहुत अच्छा, ये बात तो महाराज समझते ही, खुद ही इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। अब इसके लिए उदाहरण आपको दे रहा हूँ, किसी ने बैंक में एफडी की और वो एफडी मान लीजिए किसी ने 5 साल के लिए कर लिया, 5 साल के लिए किया, अब अचानक उसको कोई काम आ गया तो उसने अपने एफडी का ड्यूरेशन 5 साल की जगह 3 साल करा दिया, ये अपकर्षण हो गया, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन किसी ने कहा नहीं अभी बहुत जरूरी है तो हमें असमय में ही एफडी को खत्म करना है, और 5 साल की एफडी करने वाला व्यक्ति 5 महीने बाद ही विड्रॉल कर लिया, उसकी एफडी खारिज हो गई, ये असमय में निकाला, ये उदीर्णा कहलाए। तो अपकर्षण उसकी कालावधि को घटाना, उदीर्णा उसको असमय में भोग लेना, और निर्जरा जो होगी अभिपाक निर्जरा वो उदीर्णा पूर्वक ही होगी, तो उसको समझ लो हमने असमय में घपा दिया। इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि वो पैसा हमने किसी दूसरे के नाम ट्रांसफ़र भी कर दिया, तो पर प्रकृति रूप संक्रमण भी होता है, हमने अपने अकाउंट से निकाल करके दूसरे अकाउंट में डाल दिया, तो एक कर्म को उसकी सजाती दूसरे कर्म के रूप में परिणत करा जाता है जो कि निर्जरा में कई बार हो जाता है। तो इसको इस तरीके से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। और इस प्रकार और कोई को सवाल आइए, यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की शंकाओं के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। मेरे पास नाम है श्रीमान वैभव जी जैन विटे गांव, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ममता जी एन टीकमगढ़। माइक पहुँचाइए। नमस्ते महर्षि। महर्षि मेरा प्रश्न ये है कि आजकल लोग बात बात पे कसम या सौगंध खाते हैं, तो इसका हमारे जीवन में या सामने वाले के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? जो बात बात पे कसम खाता समझ लेना वो झूठा होगा, उसे भरोसा ही नहीं करना। ईमानदार आदमी को कसम खाने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती। किसी की सौगंध करते हैं महर्षि की, उसको करने दो, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखो कि जो कसम खा रहा है ना इसका मतलब कुछ खाए बैठा है। समझ गया, इससे बच के रहो। सच्चे आदमी को कसम खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, झूठा ही कसम खाता है। चलिए ओम श्रीमान सामने दे दो। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, मैं शैलेन जैन त्रिपुर तमिलनाडु से। हाँ त्रिपुर। हाँ महाराज जी, आपने शंका समाधान में एक बार यह बात बताई थी कि जब भी कभी मन पहाड़ों की वंदना करना हो तो एक सूत्र आपने दिया था कि उसमें आप बिना बैठे बिना रुके केवल लगातार वंदना कर सकते हैं, तो आज मैंने उसी सूत्र का पालन करते हुए 18 किलोमीटर कहीं भी रुका नहीं महाराज जी, बस धीरे धीरे चलता रहा और आज अच्छे से वंदना करके सीधे अभी संगत समाधान कार्यक्रम में आया। महाराज जी आपके उस सूत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। और उसके अलावा जीवन में एक कभी कभी उलझन ऐसी आ जाती महाराज जी कि एक उलझन में ही पूरा दिमाग रुक सा जाता है, ऐसी उलझनों को कैसे सुलझाया जाए, मुनिवर कृपया शंका का समाधान करें। जब भी सामने उलझने आए ना तो उलझनों को मत देखो, ये देखो कि इसका रास्ता क्या है। हम लोग उलझनों में उलझ जाते हैं, हम उलझनों में उलझने की जगह
समाधान की तरफ देखना शुरू करें तो हर उलझन में सुलझन होते। धैर्य रखें, संयम रखें, सकारात्मकता से देखकर आगे चले तो हमारी सारी दुविधाएं पल में दूर हो सकती। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। श्रीमान महावीर जी चम्बेश्वर अकलूज महाराष्ट्र। और किसका है जल्दी से? श्रीमान शानंद सिंह जैन पराशिया। ओम, जल्दी बोलिए महाराज। नमोस्तु नमोस्तु। कर भरा तो हो भला, क्यों सोचे किसी का बुरा, क्या हाथ आएगा सोचो तो जरा। ये समझते हुए भी इंसान बुराई करने का दौर क्यों खत्म करने कर पाता? इसलिए कि ये सब सुनता तो है, बोलता तो है, वो मानता नहीं। जिस दिन इस पर पूरी श्रद्धा हो जाए तो ये बातें कभी जीवन में नहीं आ सके। हम लोग बोलते कुछ हैं पर मानते कुछ हैं। अपनी मान्यता को बदलने की आवश्यकता है, तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। श्रीमान शरण जी पराशिया बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। हम लोग छात्रावास से आए हैं औरंगाबाद से। मेरा प्रश्न यह है कि जो शर्ट आवश्यक होते हैं वो छात्र जीवन में उसकी क्या महत्व होता है, और उसमें जो तप है वो छात्र कैसे कर सकते हैं तप को? देखिए, छठ आवश्यक हमारे जीवन को अनुशासित करता है, और जब तक जीवन में अनुशासन नहीं है जीवन का विकास नहीं। इसे छात्रों को अपने जीवन में अनुशासन उत्पन्न करने के लिए इन आवश्यकों का पालन करना चाहिए। जहाँ तक तप का सवाल है तो शक्ति के अनुरूप तप करो। तुम लोग उपवास नहीं कर सकते, कुछ मत करो। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करो। एक पखवाड़े में एक उपवास का फल तो मिलेगा ना, तो ऐसा तो कर सकते हो। अपनी शक्ति के अनुरूप जितना जितना बन सके उतना करने की कोशिश करना चाहिए। तप के कई रूप हैं, हम ऊपर तौर पर न कर पाए नीचे तौर पर करें, और अपने मन में विनय बहुमान आदि का भाव रखें तो ये हमारा अंतरंग तप भी होता है। इसी से जीवन की शुद्धि होती है और जीवन आगे बढ़ता है। समय आप सबका हो गया, आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।